जितना टाइम इसको लगाता है ना उतने टाइम में दो छोटी गाड़ी को त्रपाल हो जाता है आराम से। तो फाइनली गाइज हम तो पहुंच गए अम्बाला, हरियाणा साइड में तो हम आ गए। अब यहाँ से ही कंटिन्यू चल रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो मतलब टोल का थोड़ा सा व्यू, ऊपर से गर्मी बहुत है यार और मोबाइल भी काफी गर्म हो रहा है, ये तो हीट हो रहा है। आप तो कल रात को हम यहीं पे रुके थे इस सरहिंद का इलाका, ये आप देख सकते हो ऊपर से फ्लाईओवर है ना हाईवे ऊपर से है, तो हम रुके थे यहीं पे, कर दिया गाड़ी को साइड में। अब यहाँ से निकलेंगे हम आगे पहुँचेंगे मुल्तानी ढाबे पे, वहीं पे रुकेंगे फिर वहीं पे हम नहाए धोएंगे फिर वहाँ से निकलेंगे। तो ये पहुँचे हम मुल्तानी ढाबा पे, अब हम यहाँ से जाएंगे करेंगे ब्रश व्रेश तो हो जाएंगे थोड़ा सा फ्रेश वहीं पे हम नहाएंगे। तो अभी बज गए सुबह के 9:30, फिर चलेंगे यहाँ से आगे, देखते हैं क्या कुछ रहेगा सीन आज के दिन का। चलो चलो निकलते हैं यहाँ से पहले फ्रेश होने के लिए। चलो इशफाक भाई। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे और मज़े में होंगे। हम भी बढ़िया है और इशफाक भाई भी बढ़िया है। रात को आपको पता ही है हम रुके थे सरहंद में, जैसे कि आपको पिछले व्लॉग में पता तो चल गया होगा हम रुके थे सरहद में रात को, फिर वहीं पे सो गए लगभग 1 बजे। सुबह उठे 8:30 को वहाँ से और आ गए यहाँ पे मुल्तानी ढाबा। यहाँ से आपको पता चल गया होगा ये रहा मुल्तानी ढाबा। तो बस यहीं पे की थी गाड़ी को खड़ा, ये रहा है भाई यहाँ से, और यहाँ पे हमने नहाया वहाया और कपड़े थोड़े से वो भी धोए और अब यहाँ से आगे की जाने की तैयारी। बस निकलेंगे अब यहाँ से, करेंगे कंटिन्यू अपना सफ़र, तो चलते हैं यहाँ से अब कंटिन्यू। हम रात को ही चले जाते यहाँ से आगे, पर क्या हुआ जहाँ पे हमें जाना था ना हम सुबह के टाइम वहाँ पे पहुँचते लगभग अभी 10 बजे इस टाइम, तो वहाँ पर अभी नो एंट्री होती फिर हमें कोई फ़ायदा नहीं होता रात को चलने को, इसलिए हमने वहाँ पे सरहंद में ली थोड़ी सी ब्रेक और रुक गए वहीं पर। अब निकलते हैं यहाँ से, फिर से करेंगे अपनी सफ़र की शुरुआत। तो यहाँ पर आ गए अपनी और एक गाड़ी कश्मीर की और अपनी पुलवामा डिस्ट्रिक्ट की, जहाँ पर रहता है ना इशफाक भाई वहीं पर ये भी रहता है। चलो जी हम तो निकलेंगे हाँ मुल्तानी ढाबा से, अब आगे हमें जाना है दिल्ली में मुड़का, तो वहाँ पर हमें जाना है, तो नो एंट्री होगी अभी। हम आगे रखेंगे यहाँ पे राजपुरा में हम रुकेंगे, यहाँ पे जो कूलर है उसको हमने फुल कर दिया पानी से। और इशफाक भाई और सुनो की हाल चाल? बस ठीक है भाई, को सपोर्ट करो, एनजीआर मिस कश्मीर को सपोर्ट करो। हाँ भाई को सपोर्ट करो और मेरी चैनल पे देखो व्लॉग, व्लॉग्स देखो व्लॉग्स ये सब आपको मेरे इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो करो एनजीआर मिस कश्मीर। हाँ इंस्टाग्राम पे फॉलो करो है ना, तो चलो भाई को सपोर्ट करो, सपोर्ट बस आपसे सपोर्ट मांगता है और कुछ नहीं। हम वीडियो इससे भी बेहतर लेके आएंगे और भी बेहतर। चलो आज तो हमारा सबसे छोटा ट्रिप है, सबसे छोटा। यहाँ पे हम गए नहीं कभी ना दिल्ली तक, आज पहली बार जा रहे हैं। मैं फर्स्ट टाइम दिल्ली जा रहा हूँ, फर्स्ट टाइम। देखो यार फर्स्ट टाइम जा रहे हैं दिल्ली, हम तो लॉन्ग पे ही चलते मतलब दिल्ली से बाहर, दिल्ली तक हम कभी गए ही नहीं, दिल्ली से बाहर बाहर ही चलते। दिल्ली हमको अच्छी नहीं लगती है, दिल्ली हमको अच्छी नहीं लगती है। क्यों? उधर चोरी चकारी ज्यादा है। हाँ वो तो है, उधर होती रहती है, वहाँ पे बहुत ख्याल रखना पड़ता है अपना, बहुत ख्याल रखना पड़ता है, बहुत ही ख्याल। फाइनली गाइज हम तो पहुंच गए अम्बाला, हरियाणा साइड में तो हम आ गए। अब यहाँ से ही कंटिन्यू चल रहे हैं। फिलहाल हमने सोचा था, हमने प्लान किया था हम रुकेंगे पीछे राजपुरा में, पर वहाँ पे क्या हुआ वहाँ पे जगह नहीं मिली साए में। अगर साए में वहाँ पर जगह मिलती तो हम वहीं पे रुक जाते करीबन 3-4 बजे तक, फिर आराम से शाम के टाइम वहाँ से निकल जाते और रात को हम कर लेते अपनी गाड़ी वहाँ पर खड़ा जहाँ पर हमें अनलोड करना है।
दिखाएंगे आपको आगे कि कहाँ तक जाना है बराबर। तो फिलहाल अम्बाला में चल रहे हैं, देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कहीं जगह मिलेगी तो साइड में, साए में तो रुकाएंगे गाड़ी, फिर रहेंगे उधर ही दिन को आज पूरी। फिलहाल तो अभी बज गए करीबन 12 दिन के, अपनी स्पीड तो कंटिन्यू है 50-60 की स्पीड से कंटिन्यू। अगर ज़्यादा स्पीड करेंगे ना यहाँ, फिर स्पीड लिमिट वाले बैठे होते हैं पुलिस वाले, तो उनका चालान होता है फिर अगर ज़्यादा स्पीड करेंगे तो। चलो हम अपनी स्पीड मेंटेन ही रखेंगे कंटिन्यू 50-60 की स्पीड से। तो बस चल ही रहे थे कंटिन्यू, तो यहाँ पे हम आ गए पानीपत का ये टोल प्लाजा है, आपको पता ही होगा। तो यहाँ पर चल रहे थे तो अपना भाई आया मिलने। भाई और सुना, वाकई ठीक हो अनिकत भाई? तो ये काफी टाइम से वेट कर रहा था मेरा ऊपर इस गर्मी में, और बहुत टाइम पहले हमसे ये कॉन्टेक्ट किया था आपने ना, तो आज जाके मिल लिया। और बाकी ठीक हो? मस्त में। तो चलो आपको बताइए उसकी है बेटी की, हाँ भाई की बेटी हुई है तो उसकी भी बधाई। तो चलो यहाँ से करते हैं आप सफ़र कंटिन्यू करेंगे, पहले बहुत सारी बातें अपने भाई से, फिर निकलते हैं यहाँ से आगे। फिलहाल तो बच गए दिन के 3:30 और अपना सफ़र कंटिन्यू है तब से, देखेंगे आप कितने टाइम लगेगा और। चलो अभी भी यहीं पे बैठे हैं, कर लिया आपने अनिकत भाई से काफ़ी सारी बातें। और अनिकत भाई हरियाणवी में हमें क्वेश्चन, लाइक कर दो भाई, फुल लाइक, तो हम मुझे तो पर्सनली ना बहुत अच्छी लगती है हरियाणवी। तो चलो आप निकलते हैं यहाँ से, तो अनिकत भाई को कहते हैं बाय बाय। यहाँ पे आप देख सकते हो मतलब टोल का थोड़ा सा व्यू, ऊपर से गर्मी बहुत है यार, और मोबाइल भी काफी गर्म हो रहा है, ये तो हीट हो रहा है। आप तो बस कर लिया फिर से अपना सफर कंटिन्यू। तो मैं तो नीचे उठा रहा था ना वीडियो, तो मोबाइल इतना गर्म है ये खुद खुद बंद हो गया, फिर मैंने लाया वापस यहाँ पे गाड़ी में, रख दिया कूलर के सामने। अब ये थोड़ा सा ठंडा हो गया यार, क्या मुसीबत है ये, अब ठंडा हो गया, अब फिर से चला देने। तो अपना एनजीआर भाई चढ़ गया स्टेयरिंग पे, अभी चलाएगा आगे तक गाड़ी। तो ये 7 बज गए दिन के 4, अपना सफ़र कंटिन्यू है। गर्मी तो काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा ज़्यादा गर्मी तो आपको पता ही है, 3 बजे तक होती है मतलब ज़्यादा गर्मी। अभी थोड़ी थोड़ी सी काम होती है फिर शाम को, कोई बात नहीं हम सह लेते हैं ये गर्मी, कौन सी गर्मी है। अपना कूलर आज साथ है, परसों था नहीं आज साथ है। अब इसको हमने पानी भर दिया, खाली मैं इसको तभी चलाता हूँ जब मुझे मोबाइल ठंडा करना होता है, वरना इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। ये पानीपत का रोड आप देख ही सकते हो कितना प्यारा है, कितना प्यारा है। बहुत अच्छा है, बहुत। हम ढूंढ रहे हैं कहीं पे मिल जाएगा शाम के लिए, सबसे अच्छी कुछ चाहिए शाम के लिए, तैयारी करनी है तैयारी के लिए, और यहाँ पे मिलना चाहिए कुछ। भाई सही नहीं, वो शायद बोल रहा है, सही नहीं है वो ना, शायद सब्जी की दुकान इस साइड पड़ती है, मैंने सुना था भाई निकल भाई से, उसने बोला था शायद, अब पता नहीं ये साइड बोला था दुकान। तो यहाँ पर हमने की थी 4 बजे अपनी गाड़ी खड़ा। और सुना भाई यहीं पे इस भाई का हो, इस जगह का लोकेशन बता आप, नाम क्या है इस जगह का? जगह का नाम है गांव गड़ी कल्ला, गन्नौर जिला सोनीपत हरियाणा। तो गड़ी कल्ला ये आपको दिख रहा होगा, ये जो ढाबा है ना जो दिल्ली रोड पे चलता है उसको पता ही होगा ये ढाबा कहाँ पे है। देखो इसके पीछे मस्जिद है और ये मुसलमानों की बस्ती है यहाँ पे। तो बिल्कुल ये गड़ी कल्ला जो पानीपत है ना, पानीपत के बाद और सोनीपत से आगे आप पड़ेगा और दिल्ली उससे आगे। फिर हमने रुकाई थी यहाँ पे 4 बजे गाड़ी, अभी 5:30 तो हो गए। हमने क्या किया शाम के टाइम, तैयारी करनी है ना, तैयारी के लिए तैयारी यहीं से पानी वानी लिया, और चिकन भी हम अब यहीं से पकड़ेंगे क्योंकि पीछे तो मिला नहीं कहीं पर, जो कश्मीरी ढाबा था राजपुरा में वो वहाँ पर था ही नहीं आज, उसको पता लगना चाहिए वो वहाँ पर था ही नहीं, हम गए थे उधर भी पर वो वहाँ पर था ही नहीं।
शाम के टाइम आप यहाँ से हम निकलेंगे क्योंकि आगे जहाँ पे हमें जाना है ना, जहाँ पे अनलोडिंग करनी है वहाँ पे नो एंट्री है। अभी नो एंट्री के लिए हमें लेट से निकलना पड़ेगा यहीं से, तो शाम के टाइम हम आराम से निकलेंगे। अभी जाने का कोई फ़ायदा नहीं, वहाँ पे भी हमें रोकना पड़ेगा। और यहाँ पे एक मस्त सी जगह है, बिल्कुल फ्लाईओवर के नीचे, ये जो ऊपर फ्लाईओवर है ना, ये हाईवे है NH 44, इसके नीचे हमने लगा दी गाड़ी साये में, तो बहुत ही मज़ा। अपनी गाड़ी का व्यू एक अलग ही है, आपको मैंने कभी बताया नहीं, मतलब जब से हमने लोड किया कि त्रिपाला कैसा लग रहा है। अभी हाइट तो थोड़ी ही है, पर त्रिपाला कैसा लग रहा है मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बोल देना, त्रिपाला कैसा लग रहा है। बहुत ही मेहनत करते हैं हम इस त्रिपाले में को लगाने के लिए, क्योंकि जो छोटी गाड़ी होती है ना, ये उससे दुगना होती है। मतलब यहाँ तक छोटी गाड़ी, दो छोटी गाड़ी मिलाओ आप, उतना टाइम उसको लगता है त्रिपाला डालने को। बहुत ही मेहनत लगती है यार, जितना टाइम इसको लगाता है ना, उतने टाइम में दो छोटी गाड़ी को त्रिपाल हो जाता है आराम से। तो चिकन तो मिल गया वहीं पे, पर प्याज और टमाटर वो तो नहीं मिले वहाँ पे। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ अंदर की बस्ती से, तो यहाँ पे लेके आऊँगा। हाँ, मेरी गाड़ी तो वहाँ पर है, वहाँ पीछे। मैं तो गया वहाँ से, एक गली से अंदर घुस गया और दूसरे गली से निकल गया। ये रहे टमाटर और प्याज, आधा आधा केजी मैंने यहाँ से लाए, तो 20-20 रुपए के हो गए, 40 रुपए बस। वहाँ से चिकन पकड़ा आधा ही, क्योंकि अगर हम फूल लेते ना वो फिर फेंकना पड़ता है, क्योंकि हम पूरा चिकन तो खा नहीं सकते। फिर आधा ही लिया, आधा हम अच्छी तरीके से खाएंगे। कल भी हमने लाया था ना चिकन, फिर आधा फेंकना पड़ा। चलो जी, अब करते हैं जल्दी जल्दी और निकलेंगे यहाँ से आगे, वरना फिर जाम लगता है आगे हाईवे। क्योंकि यहाँ से शाम के टाइम ना सारे जो भाई है वो निकलते हैं शाम के टाइम घूमने, जो भी काम होगा वो शाम के टाइम करते हैं। कहीं दिन को यहाँ पर धूप रहती है ना, उसकी वजह से सुबह शाम यहाँ पे काम चलता है ज़्यादा। तो बस फिर से करते हैं अपना सफ़र कंटिन्यू। ये हम चल रहे हैं दिल्ली की तरफ अब, और आगे चलकर हम चढ़ेंगे एक्सप्रेस पे। यहाँ से मैंने स्टार्ट किया अब चिकन बनाना, चिकन डिनर करना है ना, चिकन बनाना है। और अपना इशफाक भाई चला रहा है कंटिन्यू गाड़ी। तो आज हमारा बड़ा दिन है ना, जो कि आपको पता ही है, शब कदर है, और हम बना रहे हैं इसीलिए अच्छी सब्जी, चिकन डिनर करेंगे, चिकन डिनर। तो बस चलेंगे यहाँ से आगे, आज शब भी करना है। चलो इशफाक भाई, आगे रुकना है एक्सप्रेस पे, है पर सब मजे लेंगे, मजे एक्सप्रेस का। जहाँ पे लाइटिंग होगी ना, वहाँ टोल पे आगे वहीं पे रुकना, क्योंकि वहाँ पर काफी अच्छी लाइट होती है ना, वहाँ पर हम थोड़ा सा मजे उठाएंगे। तो रील्स वील्स वहीं पे हम उठाएंगे, जिसको भी रील्स देखना है वो राजा उसी व्लॉग को फॉलो करे इंस्टाग्राम पे, और NGR मिस कश्मीर भाई को भी फॉलो करे इंस्टाग्राम पे। अच्छे अच्छे रील्स हम बनाते हैं, आप जल्द से जाके फॉलो करो राजा वसीम व्लॉग एंड NGR मिस कश्मीर। बहुत सारे रील्स बनते हैं अपने 12 टायरी की, अपनी गाड़ियों की, अपनी कश्मीरी ट्रकों की, तो बहुत ही अच्छी रील्स बनती है। तो ये पहुंचे हम पलवाल पे, तो यहाँ पे हमने रुका दी टोल क्रॉस करके गाड़ी। तो आप देख ही सकते हो ये जो है ना एरिया, अब दिल्ली के आसपास ही घूमता है ये रोड पलवाल एक्सप्रेस। ये हमने खड़ा की यहाँ पे साइड में अपनी गाड़ी, और हम बना रहे हैं यहीं पे सब्जी, सब्जी कर रहे हैं तैयार यहीं पे रोक के। तो आगे जाने का भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि नो एंट्री भी खुली नहीं होगी, हम जाएंगे थोड़ा लेटी से। तो ये कर रहे हैं हम यहाँ पे अपने डिनर की तैयारी, इसमें बन रहा है चिकन, चिकन बन रहा है। और यहाँ पे इशफाक भाई बैठा है, कर रहे हैं मजे। ओ इशफाक भाई करो मजे, हैं खाओ खाओ कूलर की हवा, हम खाते हैं बाहर की। तो अभी बज गए रात के 11, तो हम पहुँचे बहादुरगुर से आगे जो पिलर नंबर 746 है, यहाँ पे टोल प्लाजा यहाँ पे है, तो हम पहुँच गए। तो फाइनली गए हम तो पहुँच गए यहाँ पे जहाँ पे हमें अनलोडिंग करनी है रात के 12 बजे। मतलब जो पिलर है ना, पिलर के नंबर वो मेट्रो के पिलर नंबर है, मतलब मेट्रो ऊपर से चलती है, नीचे से पिलर है जिन पे वो खड़ी है, उसका रास्ता जिसपे खड़ा है, मतलब पटरी, तो उसके वो पिलर माना जाता है। तो उसी के हिसाब से 666 नंबर पे हमें लेफ्ट मोड़ना, तो वहीं पे हमें अदर से फैक्ट्री है। तो यहाँ पर लगा जी बिल्कुल 12 बजे गाड़ी, और आप यहीं पे सो जाएंगे रात को, सुबह देखेंगे अनलोडिंग कब तक हो जाएगी क्या। यहाँ तक देखा वीडियो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, और चैनल पर पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय।